नाउ एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब आपको इनमें बताना है, जो कंडीशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सी कंडीशन है जो हो सकती है और कौन सी कंडीशन जो इम्पॉसिबल है यानी कि नहीं हो सकती है, और कौन सी कंडीशन ऐसी है जो हो सकती है बट जरूरी नहीं है। अब देखिए, फर्स्ट कंडीशन है यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे, आप आज जो है वो कल से ज्यादा ओल्डर हो चुके हैं। ये मतलब ट्रू है ना कि ऐसा होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है, किसी की एज जो है कल से आज जो है कम हो जाएगी, हम बड़ी हमारी एज बढ़ेगी ना डे बाई डे, तो यानी कि सर्टेन टू हैपन, ऐसा होगा ही होगा। फिर सेकेंड पार्ट है, सो फर्स्ट आंसर है सर्टेन टू हैपन। सेकेंड है अ टॉस कॉइन विल लैंड हेड अप, कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो उसमें जो है जो हेड है वो ऊपर आए, तो ये जो है एक कोई सर्टेन कंडीशन नहीं है कि ऐसा ही होगा कि कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो दो कंडीशन हमारे पास है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो जरूरी नहीं है ऊपर हेड ही आए, टेल भी आ सकता है, तो ये जो कंडीशन है हो भी सकती है पर जरूरी नहीं है। सो आंसर इज कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। थर्ड है अ डाई व्हेन टॉस शेल लैंड अप विथ एट ऑन द टॉप, अगर हम जो डाई है हमारे पास अगर हम उसको टॉस करते हैं तो हम कह रहे हैं कि ऊपर ये जो है एट नंबर आए, तो ये क्या पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल चीज है। क्यों? क्योंकि जो डाई है उसमें सिर्फ सिक्स नंबर तक होता है, 1 to 6 नंबर होता है, एट उसमें होता ही नहीं है, तो ये एट वहां पर टॉस करेंगे तो एट कैसे आ सकता है, तो ये जो कंडीशन है वो क्या है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नाउ द फोर्थ, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, कि जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट होगी वो जो है वो ग्रीन होगी, तो ये जो है कंडीशन है हो भी सकती है, ठीक है, सर्टेन नहीं है बट हो भी सकती है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, जो नेक्स्ट डे होगा वो जो है क्लाउडी डे है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम, 6 मार्बल्स हैं एक बॉक्स में रखे हैं, उनमें मार्किंग कर दिए 1 to 6, मतलब एक फर्स्ट वाले में 1 लिखा है, फिर सेकंड, ऐसे करके सब में नंबरिंग कर रखी है। तो कंडीशन पूछिए आपसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2, तो कह रहे कि नंबर 2 वाले मार्बल्स को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फर्स्ट तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे जो कॉइन है, कॉइन में दो कंडीशन है हेड और टेल, जब हमने कॉइल को टॉस किया तो उसमें दो कंडीशन है हेड और टेल, तो ये है कि या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी हमारी होती है वो होती है 1/2, यानी कि टोटल उसमें पॉसिबल आउटकम्स हैं 2, या तो हेड या टेल, और उनमें से कोई एक आएगा, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी हुई 1/2। तो प्रोबेबिलिटी का हमारा जो है फॉर्मूला भी है वो है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो जितने आ रहे हैं उसमें से आपको जितने कंडीशन गिवन है उसको आपको लेना होता है। तो यहाँ पर हमारा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2, नंबर 1 to 6 जो है एक एक मार्बल को नंबरिंग कर रखी है, तो नंबर 2 वाले जो मार्बल्स होंगे उसका नंबर भी एक ही है, और लेना कितने में से है, टोटल मार्बल है 6, तो 6 में से नंबर 2 वाला सिर्फ एक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारा 1/6। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 1, क्योंकि देखिए बॉल जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉल्स हैं, और उनमें जो है नंबरिंग, सॉरी मार्बल्स है, और उनमें नंबरिंग कर रखी है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गए 6, और उनमें से हमें चूज करना है नंबर 2 वाला, और नंबर 2 वाली जो हमारे पास मार्बल है वो सिर्फ एक है, तो यानी कि नंबर ऑफ इवेंट हो गए 1। सो द प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स. सो नंबर ऑफ इवेंट इज 1 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6. सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/6. प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन 1 होती है, 1 से छोटी होती है हमेशा. नाउ सेकेंड पार्ट, वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 5. नंबर 5 मार्बल्स को ड्रॉ करने का आपको पॉसिबिलिटी बतानी है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सो सेम टोटल पॉसिबल आउटकम्स सिक्स एंड नंबर ऑफ इवेंट. अब देखिए नंबर जो 5 है वो भी मार्बल सिर्फ 1 है यानी कि 1. सो द प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1/6. नाउ थर्ड क्वेश्चन, अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम. वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट. मतलब बताना है कि आपने जैसे कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो आपको बताना है कि आपकी जो टीम है वो गेम स्टार्ट करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको. यहां पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं 6. लिखें सेम ही है. तो यहां पे एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है, तो कॉइन को टॉस करेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट टोटल इवेंट्स है हमारे पास 2, हेड और टेल. तो टोटल हो गए हमारे पास 2, इससे ज्यादा कंडीशन इसमें है नहीं. जितनी टोटल कंडीशन बनती है उसको हम इसमें लेते हैं. तो यहां पर सिर्फ 2 कंडीशन हो सकती है और यहां पर नंबर ऑफ इवेंट है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसकी कंडीशन हमारे पास है 1. नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास हो गए 1. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट. नंबर ऑफ इवेंट इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट इज 2, सो 1/2. और प्रोबेबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती है. ओके, थैंक यू.